आप देख रहे हैं न्यूज 24, मैं हूं मानक गुप्ता। इस वक्त की बड़ी खबर फिर से आपको बता दें, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और इसी के साथ चुनावी शंखनाद इन 5 राज्यों में हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तारीखें बताई हैं, जल्दी से एक बार फिर से आपको तारीखें बता देते हैं। तो तेलंगाना में वोटिंग होगी 30 नवंबर को, मतगणना की तारीख एक ही है 3 दिसंबर। 5 राज्यों में वोटिंग के बाद रिजल्ट सबके 3 दिसंबर को आएंगे और राजस्थान में वोटिंग है 23 तारीख को, 23 नवंबर, नोट कर लीजिए। छत्तीसगढ़ ही इकलौता ऐसा राज्य है जहां 2 चरणों में वोटिंग है, 7 नवंबर और 17 नवंबर, 7 और 17 नवंबर नोट कर लीजिए छत्तीसगढ़ के लिए। जैसा मैंने पहले बताया, मतगणना यानी काउंटिंग एक ही तारीख को है, 3 दिसंबर को। फिर मध्य प्रदेश, 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में वोटिंग होगी, यानी एमपी चुनाव 17 नवंबर, रिजल्ट 3 दिसंबर। 3 दिसंबर की तारीख बहुत ही अहम तारीख होने वाली है, जहां चुनाव के सेमीफाइनल का रिजल्ट आएगा। सेमीफाइनल आप समझ ही रहे हैं, सेमीफाइनल मतलब लोकसभा चुनाव अगर फाइनल है तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव सेमीफाइनल है। और 3 दिसंबर को संडे है, रविवार, तो 3 दिसंबर का दिन बहुत ही अहम होने वाला है। लेकिन उससे पहले ये जो 5 राज्यों के वोटिंग की तारीख आई है, ये भी कम अहम नहीं। 23 नवंबर को राजस्थान में वोटिंग है, ये भी नोट कर लीजिए। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना, इन 5 राज्यों में इलेक्शन कमीशन ने अब से थोड़ी देर पहले चुनाव का ऐलान किया और सबकी तारीखें बता दी। नोट कर लीजिए, तेलंगाना में वोटिंग होगी सबसे आखिर में 30 नवंबर को। और अगर शुरू से आपको बताऊं, सबसे पहले वोटिंग होगी छत्तीसगढ़ में, 7 नवंबर को पहला फेज होगा, यानी अब से करीब एक महीने बाद। 17 नवंबर को दूसरा फेज है छत्तीसगढ़ में। फिर मिजोरम में भी 7 नवंबर को ही वोटिंग है, यानी छत्तीसगढ़ और मिजोरम में 7 नवंबर को वोटिंग होगी। सबसे पहले इन दो राज्यों में मतदान, उसके बाद छत्तीसगढ़ का दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को। और जिस दिन छत्तीसगढ़ के दूसरे राउंड की वोटिंग होगी 17 नवंबर को, उसी दिन मध्य प्रदेश की वोटिंग होगी एक ही फेज में 17 नवंबर को ही। उसके बाद राजस्थान 23 और तेलंगाना 30 नवंबर। तो ये तारीखें हम आपको आज दिन भर दिखाते रहेंगे क्योंकि बहुत अहम तारीखें। फिर से छत्तीसगढ़ 7 और 17 नवंबर, मिजोरम 7 नवंबर, मध्य प्रदेश 17 नवंबर, राजस्थान 23 नवंबर और तेलंगाना 30 नवंबर। और इन 5 राज्यों के नतीजे 3 दिसंबर को। ग्राउंड जीरो भी आपको ले चलेंगे अपने सहयोगियों के पास, लेकिन फिलहाल मेरे साथ बीजेपी से अनिला सिंह आ गई हैं। कांग्रेस के मेहमान भी अभी आपको दिखाई देंगे आपकी टीवी स्क्रीन पर, और आम आदमी पार्टी से आदिल अहमद खान भी आ गए। ये तारीख सबसे अहम, सबसे आखिर में वोटिंग तेलंगाना में है 30 नवंबर को, और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के। 3 दिसंबर, जैसा मैंने कहा, संडे है, सुपर संडे होने वाला है वो हिंदुस्तान की राजनीति का। और 3 दिसंबर के बाद लोकसभा चुनाव का माहौल बनना और तेज हो जाएगा, क्योंकि उस दिन पता चलेगा 5 राज्यों में किसका पलड़ा भारी, बीजेपी, कांग्रेस या फिर कोई और क्षेत्रीय दल। वैसे तो आपको पता ही है, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है। तेलंगाना में त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, लेकिन वहां भी सीधी टक्कर बीआरएस और कांग्रेस में होगी, बीजेपी थर्ड प्लेयर है। और उसी तरह मिजोरम, पूर्वोत्तर का राज्य, वहां भी एक अहम चुनाव।